Hi guys, welcome back to our channel Aragon Garage. This is to inform you that last time हम लोग ने एक वीडियो डाले थे आर्मर के एक्यूरेसी के ऊपर और उस वीडियो पे हम लोग ने 11 मीटर के रेंज से एक कॉइन को शूट किए थे और हम लोग के कुछ दोस्तों ने कहा कि हम लोग ने उस वीडियो पे जो कि बेस्ट शॉट्स लिए थे वही डाले थे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ने उसको शूट किया कॉइन को शूट हम लोग ने जब किया तब हम लोग ने कैमरा को ऑन किया तो अगर शॉट लगा नहीं तो कैमरा को ऑफ किया तो जब शॉट लगा तो जिस समय का वो शॉट रिकॉर्डिंग हुआ था तो वही शॉट हम लोग ने डाल दिए तो कम से कम 20-30 बार तो हम लोग ने शायद कैमरा को ऑन ऑफ किया होगा और उस 20-30 बार में जब शॉट एक या दो बार लगा होगा वही हम लोग ने वीडियो पे अपलोड कर दिया तो उससे तो एक्यूरेसी की कोई प्रूफ नहीं होती उससे तो शायद हम लोग ने बात वो सोचा भी नहीं तो गलती हम लोग से भी थोड़ी हो गई क्योंकि हम लोग ने उतना तक सोचा नहीं था तो इसलिए कि ये दिखाने के लिए ऐसी बात कोई है नहीं कि आर्मर की जो एक्यूरेसी है वो सटीक ही है और यही सच है। इसको दिखाने के लिए इस बार हम लोग वीडियो को कट नहीं करेंगे, वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली होता रहेगा और एक ही साथ तीन कॉइंस रखेंगे तो और वो तीन कॉइंस को 11 मीटर्स की रेंज से शूट करेंगे और वीडियो को इस बार हम लोग मतलब रिकॉर्डिंग को इस बार कंटिन्यू करके रखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसकी एक्यूरेसी कैसी है। तो गाइस एज यू हैव सीन मैंने चार शॉट्स लगाए उसमें से जो पहली शॉट है वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की जो कॉइन है
वो कॉइन की एज में और पैलेट का शायद जो एज होगा उस पर हल्का सा हिट हुआ था क्योंकि वो कॉइन मूव हुआ था, आप लोग ने शायद देखा होगा। एनीवे अगर उसको हम लोग मिस शॉट मान के भी चले तो उसमें से चार में से तीन शॉट्स पूरा एग्जैक्टली टारगेट पे लगे हैं और उस पर हिट हुआ है। तो मैं कुछ तो बोलूँगा नहीं, आपको आप खुद ही उसका आर्मर नेशनल 350 मैग्नम की जो एक्यूरेसी है वो खुद ही आपको मालूम हो गया होगा क्योंकि मैंने 11 मेट्रिक रेंज से शूट किया था और वो भी ओपन साइट से। एनीवे गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोज। स्टे ट्यून्ड टू एयरगन गैराज। थैंक यू, गुड बाय।